हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल्स इन सेल्सफोर्स। तो जो प्रोफाइल्स हैं वो सेल्सफोर्स का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप सेल्सफोर्स में काम करना चाहते हो तो प्रोफाइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेल्सफोर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल की जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। तो प्रोफाइल का मतलब क्या है कि प्रोफाइल इज अ ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। ठीक है, जो प्रोफाइल्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेटिंग्स हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि कोई यूजर सेल्सफोर्स में क्या क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि एक प्रोफाइल होती है, हर एक यूजर की एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, और उस प्रोफाइल की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही वो यूजर सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी डायरेक्ट एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि प्रोफाइल्स कैसे जो है वो वर्क करती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये मेरी सेल्स फोर्स की ऑर्ग है, यहाँ पे मैं यूजर्स में जाता हूँ। ठीक है, यूजर्स में सबसे पहले जाके मैं आपको जो मेरा यूजर है, ठीक है, जो उसकी प्रोफाइल है विच इज सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, मैं आपको उसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा यूजर है, ये मेरा यूजर है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, दीज आर दी प्रोफाइल्स। तो हर एक यूजर की सिर्फ एक ही प्रोफाइल होती है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि एक यूजर के पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हो, एक यूजर के पास सिर्फ एक ही प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरा यूजर है, ये उसकी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, अपनी प्रोफाइल को ओपन करूँ, तो इसके बीच में जो भी इस प्रोफाइल को परमिशन होंगी वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेरी प्रोफाइल में कौन कौन सी परमिशन हैं। तो ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई, ये सारी ये लेआउट्स की सेटिंग्स हैं। ठीक है, जो भी लेआउट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लेआउट्स होते हैं। लेआउट का मतलब जो भी हमें फील्ड्स दिखती हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो भी हमें फील्ड्स दिखती हैं वो लेआउट के ऊपर होती हैं। ये लेआउट के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये FLS वगैरह भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे जो ये सारी मेरी प्रोफाइल की सेटिंग्स हैं, ठीक है, आपको मैं ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स दिखाता हूँ। आपको मैं सीधा ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो ये आगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सेल्सफोर्स में। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक जो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट, उसके बारे में उसकी सेटिंग जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, जो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इस प्रोफाइल को सारी परमिशंस है। सारी परमिशंस कौन सी, ये देखो, ठीक है, रीड स्टूडेंट के ऊपर जिस भी यूजर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल असाइन होगी, ठीक है, वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड भी कर सकता है, उसको रीड भी कर सकता है, उसको क्रिएट भी कर सकता है। अगर न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के, तो वो भी कर सकता है यूजर जिसके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद एडिट एक्सेस भी है इसको, डिलीट एक्सेस भी है, व्यू ऑल भी है और मॉडिफाई ऑल भी है। मतलब कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है मोस्टली उसके पास सारी परमिशन होती ही है। ठीक है, क्योंकि वो एडमिन यूजर है, एडमिन के पास सारी जो है परमिशन वो होती है। तो यहाँ पे देखो, तो जो जिस भी यूजर के पास सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब हम किसी दूसरी प्रोफाइल पे चलते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे ये यूजर है ज्योता सिंह, ठीक है, ज्योता सिंह हमारा यूजर है, तो इसकी जो प्रोफाइल है वो है, यहाँ पे मैंने एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, पहले ही क्रिएट कर ली थी, इसका नेम मैंने सिंपल मेरी प्रोफाइल रख दिया। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, फिर इसमें भी हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सेटिंग्स देखते हैं। तो ये मेरी जो प्रोफाइल की सेटिंग्स है वो ओपन हो गई है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और इसकी जो परमिशन है वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, जो ये वाली प्रोफाइल है एडमिन प्रोफाइल, ठीक है, इसमें सभी मोस्टली चेक बॉक्सेस ट्रू हैं, मतलब कि इस प्रोफाइल को मोस्टली सभी परमिशंस हैं। बट अगर हम ये वाली प्रोफाइल देखें तो इसमें देखो, ठीक है, काफी जो चेक बॉक्सेस हैं वो फॉल्स हैं, वो ट्रू नहीं है। दैट मींस कि इस प्रोफाइल में कुछ जो परमिशन है वो कम है एज कम्पेयर टू सेल्स, एज कम्पेयर टू एडमिन प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको एडिट करता हूँ प्रोफाइल को, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे रूम 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 वाले ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, जैसे अब ये देखो, ठीक है, ये वाली सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है, इस वाली प्रोफाइल के पास रूम्स के सभी परमिशंस हैं। ठीक है, वो रीड भी कर सकता है, क्रिएट भी, एडिट भी, डिलीट भी, व्यू ऑल भी, मॉडिफाई ऑल भी। बट जो ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, इसमें जो रूम्स ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो सिर्फ उसको रीड कर सकता है या व्यू ऑल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ना वो उसको क्रिएट कर सकता है, ना वो उसको एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ठीक है, ना मॉडिफाई कर सकता है। तो जिस यूजर के पास भी मेरी प्रोफाइल होगी, मेरी प्रोफाइल असाइन होगी जिस भी यूजर को, वो यूजर रूम्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को सिर्फ रीड कर सकता है, उसको क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल्स हैं वो ये रोल जो है वो ये प्रोफाइल्स का काम है। ठीक है, कि हम किसी भी यूजर को अगर उसकी उसकी एक्सेस को, ठीक है, सेल्सफोर्स में अगर हम उसकी एक्सेस को लिमिटेड करना चाहते हैं तो हम प्रोफाइल्स के थ्रू वो करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक मैनेजर यूजर है, ठीक है, तो मैनेजर के पास मैनेजर प्रोफाइल होगी तो मैनेजर के पास सभी जो राइट्स होंगे, ठीक है। बट एक सेल्स यूजर है जिसके पास सिर्फ सेल्स का जो काम करता है, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट सेल करना है, अब उसको हम सभी राइट्स नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो हाई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो हम उसको उसके जो एक्सेस है उनको लिमिटेड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दो प्रोफाइल्स बनाएंगे, एक मैनेजर प्रोफाइल जिसके पास सभी एक्सेस होगा, सभी एक्सेस होंगे वो हम मैनेजर को दे देंगे, ठीक है, और एक हम सिंपल सेल्स प्रोफाइल बनाएंगे जो सिर्फ उन बंदों के पास होगी जो सिर्फ जो सेल्स का काम करते हैं, जिनका काम सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना है, उनको हम सेल्स प्रोफाइल दे देंगे, सेल्स यूजर प्रोफाइल दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है वो एक्सेस को हम कंट्रोल करते हैं इन सेल्सफोर्स बाय यूजिंग दी प्रोफाइल। अब मैं आपको डेमो भी इसकी देके दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज जो अभी मेरा यूजर है, ठीक है, मैं किसी यूजर से लॉग इन हूँ, सचिन से लॉग इन हूँ, सचिन के पास कौन सी प्रोफाइल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो सचिन है वो क्या, जो सचिन यूजर है मतलब जो मेरा यूजर है वो क्या कर सकता है, वो रूम ऑब्जेक्ट को, रूम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं गया सेटअप में, यहाँ पे मैं गया सेटअप में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रूम्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रूम्स ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरे पास सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है, तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो न्यू का ऑप्शन मुझे आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने लेट से रूम वन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, रूम का नेम रूम वन, ठीक है, उसका फूड का प्राइस लेट सपोज $100 मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ओके टेस्ट एडमिन नो एप्लीकेबल अप्रूवल, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई प्रोसेस एक्टिवेटेड है और ही ऑलरेडी इसके ऊपर, तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ पहले, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा रूम ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, रूम ऑब्जेक्ट का सॉरी एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये देखिए रूम वन। तो मैंने क्या किया था, इसके ऊपर एक प्रोसेस बिल्डर ऑलरेडी एक्टिवेटेड था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, सॉरी डीएक्टिवेट कर दिया, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो मेरा सिस्टम एडमिन यूजर है वो क्या कर सकता है, वो रूम रिकॉर्ड को यहाँ पे रूम के रिकॉर्ड को, रूम ऑब्जेक्ट है उसके रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है। बट जो ये यूजर है, ठीक है, जिसके पास मेरी प्रोफाइल होगी, मतलब ये प्रोफाइल का नेम है मेरी प्रोफाइल, तो जिस भी यूजर के पास ये वाली प्रोफाइल होगी वो रूम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज जो ये यूजर है जोता सिंह, ठीक है, इसके पास मेरी प्रोफाइल है तो ये रूम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाएगा। मैं क्या करता हूँ, इससे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले यूजर से लॉग इन कर लेता हूँ। इस यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने यूजर से मैं लॉग आउट कर जाऊंगा ये काम, ठीक है, और इसका यूजर नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, इसका यूजर नेम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये इसका यूजर नेम है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड डाल दूंगा, तो मैं इस वाले यूजर से लॉग इन हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जोता सिंह से मैं जो है वो
लॉगिन हो चुका हूँ। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था रूम्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टैब्स को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे जो मेरा रूम्स ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, रूम्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले यूज़र को यहाँ पे न्यू बटन शो ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि जो ये वाला यूज़र है ये रूम्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल में जो क्रिएट की परमिशन है वो इसको नहीं है, ठीक है, वो इसको नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको ये वाली परमिशन दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर लेट सपोज एडिट करके अगर इसको मैं ये परमिशन दे दूँ, ठीक है, अब अगर मैंने जैसे ये ये क्रिएट वाला चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू कर दिया मैंने, और अगर मैं इसको अब इसको सेव कर दूं, ठीक है जी, ये सेव होगी प्रोफाइल। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे आप देखो ये न्यू बटन अब आने लग गया, मतलब इसको अभी क्रिएट की जो परमिशन है वो मिल गई है, ठीक है। तो ऐसे हम लिमिटेड करते हैं यूजर की एक्सेस को इन सेल्सफोर्स बाय यूजिंग दी प्रोफाइल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज घंटे को दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।